हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच जो सुपर एट का 43वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। दोस्तों, तो एक तरफ है इंडिया की टीम जो कि अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है, और दूसरी तरफ है दोस्तों अफगानिस्तान की टीम जो कि इस साल कुछ अलग ही टीम लग रही है और बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। और शुरू का 3 मुकाबला तो जीती थी लेकिन पिछला मुकाबला हार कर आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन से 3-4 खिलाड़ी हैं दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से जिनको आपको इस मुकाबले में लेकर चलना है, और क्या हमें इंडिया की तरफ से 7 खिलाड़ी को रखना चाहिए अपनी टीम में या फिर दोस्तों 8 खिलाड़ी को। और सबसे इम्पोर्टेंट कि दोस्तों हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों टीम्स के बॉलर अच्छे फॉर्म में हैं, तो बॉलर्स को कप्तान बनाए या फिर दोस्तों बैट्समैन को। तो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी दोस्तों, गौर कीजिएगा। जो मुकाबला है 20 तारीख को रात में 8 बजे से खेला जाएगा, और ग्राउंड की बात करें तो दोस्तों किंगस्टन ओवल और ब्रिस्टोन बर्बाडोस में दोस्तों ये मुकाबला होगा। और इस ग्राउंड पर दोस्तों अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप के मुकाबले हुए हैं बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को मदद मिली है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 27 मुकाबले खेले गए हैं। T20 के पहले बैटिंग करने वाली टीम दोस्तों 18 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 9 बार। और इस वर्ल्ड कप में भी यही देखने को मिला हम लोग को दोस्तों कि जो टीम पहले बैटिंग की है उनका जीतने का ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पर जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो जीत सकती है। एवरेज स्कोर दोस्तों यहाँ पर आपको 159 का देखने को मिलेगा, मतलब साफ है कि बैट्समैन को मदद मिलेगी। और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर वेस्ट इंडीज का 224 रन का है। और बुरी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि लोएस्ट स्कोर यहाँ पर अफगानिस्तान का ही है जो कि 80 रन पर ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 9 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 8 बार, 170 और 190 के बीच में 6 बार, और 190 के ऊपर दोस्तों 4 बार स्कोर किया है। मतलब साफ है कि अगर बैट्समैन अच्छे फॉर्म में रहेंगे तो यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो होगी यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके ऊपर डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो वर्ल्ड कप के पिछले 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए 201 रन की टारगेट दी थी और इस टारगेट को इंग्लैंड चेज नहीं करने पाई और ऑस्ट्रेलिया 36 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली दोस्तों और स्पिनर्स को 5 विकेट। और उससे पहले नामीबिया 155 रन बनाई थी जो कि स्कॉटलैंड आसानी से चेस कर ली और 5 विकेट से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिला और स्पिनर्स को 5 विकेट। और उससे पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से 39 रन से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिला दोस्तों और स्पिनर्स को 2 विकेट। तो इस ग्राउंड पर कहीं ना कहीं कि दोस्तों फास्ट बॉलर और थोड़ा बहुत स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है। और जो रिसेंट के ये जो 3 मुकाबले खेले गए हैं इन 3 मुकाबले में दोस्तों फास्ट बॉलर को मिली है यहाँ पर 26 विकेट और स्पिनर्स को मिली है दोस्तों यहाँ पर 12 विकेट। मतलब साफ है कि दोस्तों थोड़ा बहुत यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी। और जो 3 मुकाबले हुए हैं दोस्तों फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 13 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 13 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग बॉलर्स को तो मदद मिल ही रही है और थोड़ा बहुत स्पिनर्स को भी यहाँ पर मदद मिलते हुए दिख रहा है। तो ये तो होगी दोस्तों पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों इंडिया और अफगानिस्तान के बीच T20 फॉर्मेट में 7 मुकाबले हुए हैं हेड टू हेड में, और दोस्तों यहाँ पर 7 का 7 मुकाबला इंडिया ही जीती है। तो हेड टू हेड में इंडिया का पकड़ा बहुत ज्यादा भारी है। रिसेंट फॉर्म अगर इंडिया का देखिएगा तो पिछला मुकाबला अगर रद्द नहीं हुआ रहता तो हो सके 4 मुकाबला रिसेंट में इंडिया जीतती। और अफगानिस्तान दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, न्यूजीलैंड को भी हरा कर आ रही है और रिसेंट में 4 में से 3 मुकाबला जीती है। तो ये तो हो गई दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या रहेगी इंडिया टीम की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली दिखेंगे, और इन दोनों का दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। अफगानिस्तान के खिलाफ 50 का भी ऊपर एवरेज है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर ऋषभ पंत आएंगे तीसरे नंबर पर, फिर सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, फिर हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर सेक्शन से, फिर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, और बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। तो प्लेइंग 11 ये रहने वाली है दोस्तों, और आपको यहाँ पर पावर प्ले में अर्शदीप सिंह 2 से 3 ओवर बॉलिंग कराते दिखेंगे, फिर मोहम्मद सिराज और बुमराह, आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ही बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो ये तो होगी दोस्तों इंडिया टीम की प्लेइंग 11। और आपको कोशिश करना है कि इंडिया के मैक्सिमम प्लेयर्स को लेने के लिए, क्योंकि इस मुकाबले में भारतीय टीम के जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर
आप सभी को टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी और सारे मैच रिलेटेड न्यूज और पिच रिपोर्ट और बैटिंग ऑर्डर तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव दोस्तों यहां पर आपको एनालिसिस मिलेगी और साथ में बिल्कुल फ्री में टीम्स। तो लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से क्लिक करके लिंक पर ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आप लोग से भाइयों से बस यही बोलना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडिया टीम के सारे जो प्लेइंग 11 है उनके रिसेंट फॉर्म के ऊपर। फिर दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की भी बात करेंगे तो रोहित शर्मा का दोस्तों इस साल का आईपीएल उतना कुछ खास नहीं किया था और आखिरी के आईपीएल के मुकाबले में 68 रन की पारी खेले थे। उसके बाद दोस्तों वार्म अप मुकाबले में 23 रन की पारी खेले। उसके बाद यहां पर पहले वर्ल्ड कप के मुकाबले में 52 रन की और पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। और आप सभी को एक चीज मैं बता दूं कि ये दोस्तों न्यूयॉर्क के जैसा ग्राउंड नहीं है। न्यूयॉर्क का दोस्तों ग्राउंड बिल्कुल नया बना था और बॉलर्स को सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन इस ग्राउंड पर बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा तो रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोग के लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए भी, क्योंकि एक मुकाबले में 52 रन की पारी खेले हैं। विराट कोहली का तो दोस्तों वर्ल्ड कप बहुत ही अच्छा गया है और आईपीएल में सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाया था, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन इस वर्ल्ड कप में टोटल मैच का दोस्तों रन भी इनको मिला दिया जाए तो 5 रन से ऊपर अभी तक नहीं स्कोर किए हैं 3 मुकाबले में और पिछले मुकाबले में तो 0 पर आउट हुए हैं। तो दोस्तों विराट कोहली को बहुत ही कम लोग लिए हैं, 60-65% ही लोग इनको लिए हैं, लेकिन इनका दोस्तों लगभग 65 का एवरेज है अफगानिस्तान के खिलाफ। इस मुकाबले में विराट कोहली भी आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे तो दोनों ओपनर्स पर आपको फोकस करना है। अब ऋषभ पंत की बात आ जाती है तो दोस्तों टॉप के दोनों बैट्समैन को तो लेना ही है, साथ में ऋषभ पंत को भी लेना है, क्योंकि ऋषभ पंत सोच सकते हैं कि जहां पर मुश्किल करना था दोस्तों, जहां पर मुश्किल हो रही थी सभी बैट्समैन को रन बनाने के लिए, वहां पर ऋषभ पंत 36 रन 42 रन और 18 रन की पारी खेले और वर्ल्ड कप रिसेंट के आईपीएल में भी दोस्तों इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। तो दोस्तों अगर इंडिया की टीम टॉस जीतती है और पहले अगर बॉलिंग कराती है तो आपको टॉप के तीनों बल्लेबाज को लेकर चलना है जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अगर इंडिया की टीम पहले दोस्तों बैटिंग करती है तो दोस्तों आप लोग फिर यहां पर सूर्य कुमार यादव को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव दोस्तों 50 रन नॉट आउट की पारी खेले थे और अपने बलबूते पर मैच को जिताए थे शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव मिलकर, लेकिन उससे पहले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए थे। आईपीएल में कुछ मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस अच्छा था, तो मैंने जैसे बताया कि अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करेगी तब दोस्तों सूर्य कुमार यादव पर फोकस करना है। उसी तरह शिवम दुबे की बात करें तो जब से इनका न्यूज आया है कि वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ है, 2 बार 0 पर आउट हो चुके हैं आईपीएल में और इस साल वर्ल्ड कप में दोस्तों ज्यादा इनको मौका नहीं मिला। पिछले मुकाबले में 31 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं। तो दोस्तों अगर इंडिया टीम टॉस हारती है और पहले बैटिंग करती है तो सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे पर आपको थोड़ा बहुत फोकस कर लेना है। अब दोस्तों हार्दिक पांड्या की बात करें तो आईपीएल में बहुत क्रिटिसाइज इनको किया गया था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में पिछले मुकाबले में 2 विकेट, फिर उससे पहले 2 विकेट, फिर 3 विकेट और 40 रन 1 विकेट, तो ओवरऑल ऑलराउंडर वाले और पुराने हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप में हम लोगों को दिखे हैं। तो दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। तो टॉप के तीनों बैट्समैन और यहां से हार्दिक पांड्या को आपको अपनी टीम में रखना है। अब अक्षर पटेल की बात करें तो अक्षर पटेल को आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी टॉस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान वन साइडेड हार जाएगी, उनको अभी दोस्तों प्लेयर्स को सेलेक्ट करना है। तो अक्षर पटेल पिछले मुकाबले में 20 रन 1 विकेट और रिसेंट में हर मुकाबले में मिनिमम 1 विकेट तो ले ही रहे हैं, तो अक्षर पटेल को आप लोग ले भी सकते हैं नहीं भी, और अगर अफगानिस्तान की टॉस जीतती है तब दोस्तों आप लोग अक्षर पटेल को मत लीजिएगा और इंडिया की टीम टॉस जीतेगी तब आप लोग इनको ले सकते हैं। रविंद्र जडेजा का दोस्तों इस साल कुछ खास नहीं रहा है, आईपीएल में भी कुछ इन्होंने विकेट नहीं लिया है ज्यादातर मुकाबले में, और इस वर्ल्ड कप में तो दोस्तों इनका बॉलिंग से एक भी विकेट में खाता ही नहीं खुला है, तो रविंद्र जडेजा बहुत ही कह सकते हैं अनसेफ ऑप्शन रहेंगे, और अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग में जा रहे हैं तो मेगा ग्रैंड लीग में आप लोग इनको ले सकते हैं। अब बॉलर्स की बात करें तो ये जो तीन बॉलर हैं, अगर इंडिया की टीम टॉस हारती है तो दोस्तों तीन में से मिनिमम 2 बॉलर को तो आपको लेकर ही चलना है, और अगर इंडिया की टीम टॉस जीतती है तो तीनों बॉलर्स को ले सकते हैं। अर्शदीप सिंह और बुमराह की बात करें तो अर्शदीप सिंह इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, 3 मुकाबले में दोस्तों इनको 7 विकेट मिली है और अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और इंडिया की टीम्स की तरफ से, और बुमराह की बात करें तो 5 विकेट इनको मिली है, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो दोनों बॉलर्स को आपको रखना है। मोहम्मद सिराज को दोस्तों 3 मुकाबले में मात्र 1 ही विकेट मिली है इस वर्ल्ड कप में, रिसेंट के आईपीएल मैचेस में परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर इंडिया टीम टॉस जीतती है तो आप लोग मोहम्मद सिराज को ले सकते हैं।
ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर इंडिया टीम के सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो प्लेयर यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए हैं उनका रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों अगर इनमें से कोई भी बाई चांस खेलता है, खेलने का तो उम्मीद कम है, कुलदीप यादव हो सके खेल जाए, क्योंकि रविंद्र जडेजा को खिलाया जा रहा था क्योंकि न्यूयॉर्क में बैट्समैन की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर टॉप ऑर्डर का बैट्समैन परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो कुलदीप यादव अगर खेलते हैं तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में तो रिसेंट में है ही, तो इनको आप लोग ले सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अफगानिस्तान की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11, जो कि पिछला मुकाबला हार कर आ रही है। तो इधर से आपको आर गुरबज ओपनिंग करते दिखेंगे इब्राहिम जादरान के साथ, फिर गुलाबुद्दीन नईब जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, फिर अजमतुल्ला उमर जाई, फिर यहाँ पर नजीबुल्ला जादरान, मोहम्मद नबी, राशिद खान, करीम जन्नत, नूर अहमद, नवीन उलक और फैजल फारूकी जो कि अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर बने हुए हैं, 12 विकेट इन्होंने लिया है, लेकिन पिछले मुकाबले में थोड़े से महंगे साबित हुए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो पावर प्ले में आपको फैजल फारूकी और नवीन उलक और दोस्तों अजमतुल्ला उमर जाई बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में नवीन उलक और दोस्तों फैजल फारूकी। ये तो होगी अफगानिस्तान टीम की प्लेइंग 11। और अगर दोस्तों अफगानिस्तान टीम टॉस हार जाती है तो आपको मैक्सिमम दोस्तों इंडिया के प्लेयर्स को ही लेकर चलना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले टॉप ऑर्डर की बात करें तो रहमतुल्ला गुरबज को इस साल आईपीएल में उतना मौका नहीं मिला, और वर्ल्ड कप में पहले मुकाबले में दोस्तों 76 रन की पारी खेले थे, फिर उसके बाद 80 रन की, और पिछले दोनों मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं और पिछले मुकाबले में मात्र 0 रन की ही पारी खेले। तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, दो मुकाबले में अच्छा पारी खेले हैं, तो इस मुकाबले के लिए भी दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, टॉप ऑर्डर से आप लोग इनको लेकर चलना है क्योंकि विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे। अब इब्राहिम जादरान की बात करें तो दोस्तों इब्राहिम जादरान का इंडिया के खिलाफ 49 का एवरेज है 4 मुकाबले में, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। रिसेंट में देख सकते हैं 70 रन, 40 रन और 38 रन की पारी खेले हैं, एक मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे, और रिसेंट के भी दोस्तों लीग मैचेस में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो दोनों ओपनर्स अफगानिस्तान के कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं इस वर्ल्ड कप में, और ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से अफगानिस्तान की टीम हार मानेगी, कांटे की टक्कर भी हो सकती है भले ही हेड टू हेड में हराई ना हो। तो दोनों टॉप ऑर्डर दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे, और अगर अफगानिस्तान की टीम टॉस जीत जाती है तब आपको दोनों टॉप ऑर्डर को लेकर चलना है, और अगर अफगानिस्तान की टीम टॉस हारती है तब दोस्तों आप लोग एक टॉप ऑर्डर को जरूर रखिएगा अपनी टीम में। अब दोस्तों गुलाबुद्दीन नईब की बात करें तो इनको बहुत ही कम लोग हैं जो कि लिए हुए हैं, क्योंकि इनको बहुत ही कम आंका जा रहा है इस वर्ल्ड कप में। पिछले मुकाबले में 7 रन, 2 विकेट लिए, फिर उससे पहले 49 रन नॉट आउट, और पहले दूसरे मुकाबले में वर्ल्ड कप में फ्लॉप हो गए थे। रिसेंट में भी इनका परफॉर्मेंस एवरेज रहा है। तो दोस्तों अगर न्यूज आती है, बैटिंग ऑर्डर आती है कि दोस्तों फिर से फर्स्ट डाउन ही बैटिंग करेंगे, और अगर न्यूज आती है कि बॉलिंग कराएंगे, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो इनसे बेहतरीन ट्रंप प्लेयर हमारे लिए इस मुकाबले में कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इनको मात्र 20-25% लोग ही लिए हैं। तो ये दोस्तों सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे अगर ग्रैंड लीग में आप लोग जा रहे हैं तो। और अब अजमतुल्ला उमर जाई की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस पिछले मैच में अच्छा रहा था, 23 रन 1 विकेट, और उससे पहले 13 रन, फिर 12 रन, 22 रन और फिर 5 रन। तो मोहम्मद नबी और अजमतुल्ला उमर जाई दोनों में से आपको एक को लेकर चलना ही है, और मोहम्मद नबी का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में कुछ खास दिखा नहीं है, 4 मुकाबले में तो इनको विकेट ही नहीं मिली है और बैटिंग से भी फ्लॉप रहे हैं। तो दोस्तों मोहम्मद नबी और अजमतुल्ला में से आप लोग अजमतुल्ला उमर जाई को ले सकते हैं। अब नजीबुल्ला जदरान की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा रहा है, और इस वर्ल्ड कप के जो 4 मुकाबले हुए हैं, 4 मुकाबले में सिंगल डिजिट में इन्होंने स्कोर किया है, और इनका बैटिंग ऑर्डर भी बहुत ज़रा नीचे है। हेड टू हेड में रिकॉर्ड अच्छा है दोस्तों इंडिया के खिलाफ, तो ये दोस्तों उतने सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे। अब नीचे से बात करें तो राशिद खान बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, वर्ल्ड कप में देख सकते हैं कि 2 रन 2 विकेट 4 विकेट, और पिछले मुकाबले में भले विकेट ना मिला हो लेकिन अच्छी बात है कि बैटिंग भी कर सकते हैं। तो राशिद खान वैसे भी इंडियन बैट्समैन को थोड़ा बहुत परेशान करते हैं, तो ये दोस्तों आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। टॉप ऑर्डर से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोनों यहाँ पर टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को लेना है, और अजमतुल्ला उमर जाई और मोहम्मद नबी में से एक को लेकर चलना है, फिर नीचे से राशिद खान को। करीम जन्नत उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है अभी तक दोस्तों, इनको ज़्यादा कुछ मदद नहीं मिली है, तो ये उतने सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे, पिछले मुकाबले में तो बॉलिंग भी नहीं कराए थे। नूर अहमद भी दोस्तों अभी तक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, पिछले के कुछ मुकाबले में फ्लॉप ही रहे हैं, और इस वर्ल्ड कप में मात्र 1 विकेट मिली है। अब नवीन उल्लक और फैजल फारूकी की बात करें तो दोनों अच्छे फॉर्म में हैं, और अगर अफगानिस्तान की टीम दोस्तों टॉस जीतती है तो दोनों को में से एक चाहे दोनों को भी ले सकते हैं। और फैजल फारूकी थोड़े महंगे साबित हुए थे, पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली थी लेकिन उससे पहले 12 विकेट ले चुके हैं 3 मुकाबले में, और नवीन उलक भी दोस्तों इस वर्ल्ड कप में टोटल 5 विकेट ले चुके हैं। तो दोनों बॉलर्स कहीं ना कहीं अच्छे फॉर्म में हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है,
तो केवल अगर अफगानिस्तान की टीम टॉस जीतेगी तभी आप सभी को इनको लेकर चलना है। तो ये तो होगी दोस्तों अब अफगानिस्तान टीम की सारे रिसेंट फॉर्म। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उनका रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो इधर से आप लोग देख सकते हैं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर टीम कॉम्बिनेशन जानने से पहले। तो इंडिया का दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए अफगानिस्तान के खिलाफ, तो रोहित शर्मा का 65 का एवरेज है, 5 मुकाबले में विराट कोहली का 67 का एवरेज है और दोस्तों ऋषभ पंत का 47 का एवरेज है। तो तीनों टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस अच्छा है तो इन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। शिवम दुबे का 124 का एवरेज है क्योंकि अभी तक नॉट आउट ही रहे हैं 3 मुकाबले में। हार्दिक पांड्या का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, विकेट भी नहीं मिला लेकिन मैचेस भी मात्र एक ही खेले हैं। अक्षर पटेल 3 मुकाबले में 4 विकेट, जडेजा 2 मुकाबले में 2 विकेट, बुमराह का 1 मुकाबले में 1 विकेट और हर्षदीप 4 मुकाबले में 5 विकेट। ये तो होगी दोस्तों इंडिया टीम के हेड टू हेड रिकॉर्ड जिसमें से रोहित शर्मा विराट कोहली का सबसे अच्छा है। अब अफगानिस्तान की तरफ से बात करें तो आर गुरुबज फ्लॉप रहे, मतलब एवरेज परफॉर्मेंस रहा है 21 का एवरेज है। इब्राहिम जादरान का दोस्तों 49 का एवरेज है और गुलाबुद्दीन नईब की भी बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप प्लेयर रहेंगे इस मुकाबले में, 5 मुकाबले में 162 रन, 54 का एवरेज और 1 विकेट लिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट डाउन अगर बैटिंग करते हैं तो हमारे लिए इस मुकाबले में सबसे डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। उमरजाई का उतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, ना ही मोहम्मद नबी का है। अब दोस्तों नजीबुल्ला जादरान का भी कुछ खास नहीं है, राशिद खान भी विकेट नहीं लेने पाए हैं दोस्तों, करीम जन्नत को 3 विकेट मिली है और नवीनुल्लाह को 1 विकेट और फैजल फारूकू की 1 विकेट 3-3 मुकाबले में। तो ये तो होगी दोस्तों अब दोनों टीम्स की यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड जो कि आप लोग देख लीजिए। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या हमारी यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन निकल कर आ रही है। ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन जो कि फाइनल टीम रहेगी और यहाँ पर मैंने कैप्टन किया है हार्दिक पांड्या को और वाइस कैप्टन विराट कोहली को। और अगर इंडिया की टीम टॉस जीत जाती है तब दोस्तों मैं यहाँ पर बॉलर्स को भी कैप्टन कर सकता हूँ। और अगर इंडिया की टीम टॉस दोस्तों हार कर पहले, अगर मान लीजिए इंडिया पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे क्योंकि एवरेज इनका बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मैं हार्दिक पांड्या को कैप्टन इसलिए किया हूँ क्योंकि सेफ ऑप्शन रहेंगे, 4 ओवर बॉलिंग तो कराएंगे ही और बैटिंग भी मिडल ऑर्डर में करते हैं और बैटिंग से ठीक ठाक फॉर्म में है। बाकी दोस्तों विराट कोहली हमारे डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे, बहुत ही कम लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन किए हैं तो बहुत आसानी से विनिंग हो जाएगी अगर विराट कोहली 40-50 रन भी मारते हैं तो। विकेट कीपर से मैंने आर गुरुबज और ऋषभ पंत को लिया है जो कि दोनों अच्छे फॉर्म में है। बैटिंग सेक्शन से रोहित शर्मा विराट कोहली इंडिया की तरफ से और इब्राहिम जादरान दोस्तों मैंने लिया है अफगानिस्तान की तरफ से। ऑलराउंडर सेक्शन से अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या को मैंने लिया है, इधर से अजमतुल्ला उमरजाई को, बॉलिंग से अर्शदीप सिंह बुमराह इंडिया की तरफ से और राशिद खान दोस्तों मैंने लिया है अफगानिस्तान की तरफ से। तो ना ही मैंने फैजल फारूकी को लिया है ना ही नवीनुल्लाह को। और अगर आप लोग उनको लेना चाहते हैं तो अक्षर पटेल को ड्रॉप करके आप लोग यहाँ पर फैजल फारूकी नहीं तो नवीनुल्लाह को ले सकते हैं। बाकी दोस्तों ये जो मैंने टीम बनाई है थोड़ा बहुत इंडिया को सपोर्ट करते हुए मैंने बनाई है क्योंकि 7 मुकाबले में दोस्तों 7 मुकाबला इंडिया ही जीती है। अफगानिस्तान भले ही अच्छे फॉर्म में रिसेंट में रही हो लेकिन आप लोग गौर कीजिएगा केवल न्यूजीलैंड को ही ये हराई है जो कि बड़ी टीम है, बाकी दोनों टीम कमजोर ही टीम थी। और मजबूत टीम जैसे वेस्ट इंडीज के सामने दोस्तों ये नतमस्तक हो गई तो उसी हिसाब से इंडिया के सामने भी इनका कुछ खास परफॉर्मेंस रहता नहीं है। तो टोटल मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों बैट्सिंग 3 बैट्समैन यहाँ पर दोस्तों, 3 ऑलराउंडर और टोटल 3 बॉलर और 2 विकेट कीपर। और मैं ये सोचकर टीम ये बनाया हूँ कि टॉप ऑर्डर के इंडिया के बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और उनके बॉलर्स और अफगानिस्तान के गिने चुने प्लेयर्स ही परफॉर्मेंस करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।